श्रोमणी अकाली दल दे सरप्रस्त साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं गुजरात ते हिमाचल प्रदेश च हुईयां विधानसभा चोणां च मिली शानदार जित दी वधाई दित्ती है। उन्हां इन्हां चोणां दे नतीजिआं नूं प्रधानमंत्री वल्लों देश च चलाई विकास लहर दी जित करार दित्ता है। मुंबई के साकी नाका कुरला खेत्र दे विच सवेरे एक दुकान नूं अग लग गई जिस नाल 12 व्यक्ति की मौत हो गई है। इस सारे भयानक अग नाल झुलस गए ने। गुजरात विधानसभा चोणां च भाजपा दी फैसला कून जित दी सत्ताधारी पार्टी दे नेतावां ने स्वागत करदे होए इस नूं अपने वधिया शासन दी देण दस्या है। उत्थे ही पार्टी दे सीनियर नेता राजनाथ सिंह ने कांग्रेस दे चोण नतीजिआं दे बहाने विरोधी धिर दे नवनियुक्त प्रधान राहुल गांधी दी पहली चोण हार ते टिप्पणी करदिआं कहा कि सिर मुंडवाउंदे ही औले पै गए। गुजरात विधानसभा चोणां च कांग्रेस भावें सीटां दे मामले च भाजपा वल्लों पिछे रह गई है पर उस दे नेतावां ने पार्टी दे प्रदर्शन ते खुशी जाहर करदे होए कहा कि इन्हां चोणां च पार्टी प्रधान राहुल गांधी दा व्यापक असर देखण नूं मिलिआ है। साध्विया नाल बलात्कार दे दोष च सुनारिया जेल च 20 साल दी सजा काट रहे राम रहीम सर्दी कारण बीमार हो गया। सोमवार नूं जेल च मिलण आए परिवार वालिआं दे सामणे उन्हें अपना दर्द दस्सिआ। परिवार ने अदालत चल रही कानूनी कार्रवाई दे बारे जानकारी दित्ती अते जस्टिस सिस्टम ते भरोसा रखण लई कहा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति सख्त रवैया एक बार फिर सामने आया है। ट्रंप ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि सोमवार को अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि जेकर पाकिस्तान चाहता है तो साड़ी दोस्ती कायम रहे तो उसको अतवाद खिलाफ तो सख्त कदम चुकने चाहिए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धी इवांका ट्रंप 28 नवंबर को ग्लोबल इंटर्नशिप सम्मेलन लई भारत आई सी। अपने देश वापस जाने के बाद इवांका ट्रंप ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को खत लिखा। इवांका ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को अपने हाथ में खत लिख के हैदराबाद की यात्रा दौरान भारत वालों किए गए सत्कार लई धन्यवाद किया है। सोमवार नूं तेज ते नवे रूट उते जा रही रेलगड्डी अचानक सियाटल दे दक्षण विच पटरी तो उतर गई। इस नाल गड्डी दे कुछ डब्बे हाईवे उते जा डिगे। इस हादसे दे विच 6 व्यक्ति दी मौत हो गई है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड ते अतवादी संगठन जमात उद दावा दे सरगना हाफिज सैयद ने फिर भारत विरुद्ध जहर उगलिया। हाफिज ने लाहौर विच अपने समर्थकों नूं कहा पूर्वी पाकिस्तान का बदला लैण लई कश्मीर राही रस्ता बना रहा निकल रहा ते चल रहा अते ए लहर जारी रहेगी इस ने बहुत अगे जाना है। अमरीका वालों कश्मीर मुद्दे ते भारत का समर्थन करन नाल परेशान पाकिस्तान ने सोमवार को परमाणु युद्ध की संभावना जाहिर की है। पाकिस्तान के एक सीनियर सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि दक्षिणी एशिया खेत्र की स्थिरता नाजुक हालात में है और भारत पाकिस्तान विचकार परमाणु युद्ध की संभावना लगातार बनती जा रही है। पंजाब न्यूज़पेपर दे विच अते अपना पंजाब NRI TV ते ऐड देन लई सानू संपर्क करो। साडा USA दा फोन नंबर है 516-998-3222 ते साडा इंडिया दा फोन नंबर है 9815-40000।